नमस्कार दोस्तों, कैसे बार वो लोग, आशा है सबको अच्छा हो, नहीं मानो स्वस्थ हुई। आज एक बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है दही वाले बैंगन की, आशा है सबको पसंद आएगी। इसके लिए मैंने एक बैंगन लिया है, आप कोई भी बैंगन ले सकते हैं जो आपके पास हो। ये 2 चम्मच मैंने सरसों का तेल गरम किया, आप कोई भी तेल दे सकते हैं। अब तेल गरम होने पर बैंगन के लिए हमें डाल दे रहे हैं और इसको धीमे आँच पर ढक करके जब तक अच्छे से पक ना जाए, गल ना जाए, इसको हमको पकाना है। अच्छे से लट लट के चार तरफ से पक जाने चाहिए। पीसेस आप किस तरह से भी, कोई भी बैंगन ले सकते हैं, कैसे भी पीसेस कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं, वो जो छोटे वाले बैंगन आते हैं ना, वो उसके और अच्छे बनते हैं। अगर वो मिल जाए तो बार बेटर है। अभी मिले नहीं मुझे, तो मैंने इसको यही लिया। उसको मैं ढक दे रही हूँ, धीमे आँच पर पकने दे रही हूँ। अब मेरा बैंगन हो चुका है, चारों तरफ से अच्छे से इसको घुमा घुमा कर मैंने कर दिया था लाल। तो देखिए अच्छे से सब जगह से कलर आ चुका है और अच्छे से पक गया है, ये दब जा रहा है। अब इसी स्टेज पे हमको उसको निकाल लेना है और सेम पैन में फिर हम आगे का प्रोसेस करेंगे। मैंने तेल नहीं डाला है, बिल्कुल भी तेल में बना रही हूँ। ये थोड़ा सा राई का सर तड़का देंगे। राई आपको नहीं पसंद है तो आप जीरा का भी तड़का दे सकते हैं। देन ये हींग है, ऑप्शनल है। हींग से एक बहुत अच्छा टेस्ट आता है खाने में, तो मैं अपने खाने में हींग जरूर यूज़ करती हूँ। उसके बाद ये सूखी लाल मिर्च डालेंगे। ये बहुत इजी सी रेसिपी है और बहुत अच्छी लगती है, खासकर के गर्मियों में और ठंड में। जो वो ग्रीन वाला बैंगन आता है ना, उसकी बहुत अच्छी लगती है, छोटे वाले बैंगन जो आते हैं उसके। यानी ये कड़ी मिर्च है। उसके बाद मैंने ये काट के रखा है, चॉप्ड ओनियन है, गार्लिक है और ये स्प्रिंग ओनियन है। स्प्रिंग ओनियन ऑप्शनल है। अब ये गार्लिक डाला, इसको भी हल्का सा भूनेंगे, बिल्कुल लाल नहीं करना है। हमारा गार्लिक बिल्कुल अच्छा सा कलर दे दिया, धीमे आंच से मैंने किया था। प्याज डाल के इसको भूनेंगे कुछ देर तक, थोड़ा सा प्याज ट्रांसपेरेंट हो जाए, जलाना नहीं है, ट्रांसपेरेंट होने तक। देन उसके बाद हम आगे मसाले ऐड करेंगे और इसका मेन इन्ग्रीडियंट दही है। तो दही आपके पास थोड़ी अच्छी खासी मात्रा में होनी चाहिए। जब तक दही आपके पास अच्छी मात्रा में नहीं होगी, तब तक इसमें वो स्वाद नहीं आएगा जो आना चाहिए। बहुत लोग इसमें मूंगफली के दाने भी डालते हैं थोड़ा क्रंचीनेस के लिए, बट मैं नहीं डालती हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं दही के साथ ही मसाले। लहसुन का जो फ्लेवर आता है दही के साथ, बहुत अच्छा आता है। और एक रेसिपी मैंने दी थी कद्दू वाले दही की सब्ज़ी, आप भी उसको भी ट्राई कीजिएगा। वो बहुत बहुत अच्छी रेसिपी है और एकदम डिफरेंट रेसिपी है कद्दू वाली, तो प्लीज़ एक बार उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आलू दही तो सब बनाते हैं, पर कद्दू के साथ दही बहुत कम ही मिलता है देखने में, तो एक बार प्लीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी इसको थोड़ा होने देते हैं, उसके बाद आगे का प्रोसेस। प्याज भी हमारा लगभग हो चुका है, इसको ज़्यादा नहीं पकाना है। अब हम सारे मसाले इसमें अपना ऐड करेंगे, नमक, जो भी नॉर्मल मसाले होते हैं, हल्दी मिर्च जो भी है टू टेस्ट हमको ऐड करने हैं। तो थोड़ा तीखा खाऊंगी तो तीखा डाल रही हूँ। तो सब्ज़ियाँ जो है ना तीखी अच्छी लगती हैं, आप लोग भी बताइएगा कैसी लगती हैं आप लोगों को तीखी या नॉर्मल। मुझे तीखी पसंद है, तीखा बट इतना भी नहीं कि जो टेस्ट फिर नहीं आ पाए किसी चीज़ का। देन अब इसमें मैं डाल रही हूँ ये किचन की मसाला, एवरेस्ट का आता है, आप कुछ भी डाल सकते हैं, पैकेट वाला या घर में जो आपके पास मसाले नॉर्मल हो, धनिया हो, भी डाल सकते हैं, कोई मैटर नहीं है। क्योंकि मेन इसका जो इन्ग्रीडियंट्स है वो हम मसालों को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है और इसी स्टेज पर आँच धीमी रखनी है, क्योंकि इसमें हमें अभी लिक्विड तो कुछ है नहीं, तो धीमी आँच रखनी है, मसाले जलने का डर रहता है। देन अब इसमें हमको अपनी ये जो डेड दही है इसको ऐड करना है। देखिए मैंने घर का एक कटोरा भर के दही लिया था एक बैंगन के लिए, इसको धीमे आँच पर हमको अब पकाना है। इसमें थोड़ा पानी डालूंगी जो कटोरी में है ना दही, इसके साथ इसको धीमे आँच पर मैं 2-3 मिनट तक इस ग्रेवी को पकाऊंगी। देन जब ये थोड़ा सा अपना ऑयल छोड़ने लगेगा तब मैं इसमें बैंगन ऐड करूँगी। पानी ऐड किया है मैंने, अब इसको थोड़ा पकने दे रही हूँ सब मसाले, ताकि अच्छे से कुक हो जाए और दही का एक अच्छा सा खट्टा सा फ्लेवर आए, बहुत यमी फ्लेवर आता है। 2 मिनट हो चुका है, इसको हटा के देखती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा ऊपर ऊपर सारा इसका जो नेचुरल ऑयल होता है ना, ये साइड साइड में सब आ गए हैं। अब इसी स्टेज पर हमको अपना बैंगन ऐड कर देना है इसमें और इसको धीमे आँच पे बिल्कुल ढक करके 5 मिनट तक पकाना है, ताकि अंदर तक बैंगन के सारा ग्रेवी चला जाए। और अगर आपको ग्रेवी चाहिए पतली
आप उसके अनुसार रखो। और अगर थिक चाहिए, सेमी ग्रेवी चाहिए, तो इसको और सुखा दो, बट पानी नहीं डालने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि बैंगन का भी अपना एक नेचुरल वाटर होता है ना। और इसमें था ये थोड़ी सी सेमी ग्रेवी अच्छी लगती है, बिल्कुल ड्राई भी नहीं और बिल्कुल पतली भी नहीं। स्पेशल लटपट बोलते हैं ना बिहारी में, लटपट रस्सा चाहिए, सो वह रस्सा चाहिए हमने के में एकदम लटपट आई। और इसको ढक देती हूँ और पकने देती हूँ। और ये रेसिपी आपको राइस रोटी किसी के साथ भी माइंड ब्लोइंग लगती है, सो मस्ट ट्राई है, प्लीज़ एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। 3 मिनट हो गए हैं, अब इसको देखती हूँ। वाव, बहुत अच्छा अच्छा सुगंध आ रहा है, मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। और इसको एक बार फिर से पलट देती हूँ, फिर 2 मिनट तक पकाऊंगी ताकि अच्छे से कुक हो जाए। बैंगन तो हमारे पहले से कुक था, बट अंदर तक सारी ग्रेवी चली जाए उसके लिए। अभी ये भी ग्रेवी परफेक्ट है, ऐसे इसको रख सकते हैं, बट ठीक है, थोड़ा सा और इसको ड्राई होने देती हूँ। देन उसके बाद हम स्प्रिंग ओनियन का गार्निशिंग करेंगे। अगर आपके पास स्प्रिंग ओनियन ना हो तो धनिया पत्ती डालो, नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसे इंजॉय करो। 2 मिनट और हो गए, टोटल मैंने इसको 4 मिनट पकाया और अब बिल्कुल अब रेडी हो गया ये। देन इस पर ये गया स्प्रिंग ओनियन हमारा, और ये अब बिल्कुल खाने के लिए रेडी है। यमी यमी पूड़ी के साथ, पराठे के साथ खाओ, राइस के साथ खाओ। और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।